इंग्लिश के एग्जाम में अनसीन पैसेज सोल्व करने के लिए तीन बेहतरीन टिप्स, तीसरी वाली तो आपको जरूर जाननी चाहिए। टिप नंबर वन, ये तो आपको सब बताते हैं कि पैसेज रीड करने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज रीड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो भी आपके डिफिकल्ट वर्ड है उनको हाईलाइट कर लेना है। अब इससे क्या हुआ, पैसेज में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका आपको सिनोनियम्स या फिर अपोजिट वर्ड बताना पड़ता है, तो उस समय पर आपके लिए वो हाईलाइट वर्ड काम आ रहे होंगे। टिप नंबर टू, पैसेज पढ़ते टाइम कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग आपको पता नहीं होता, तो उस समय पर आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपका वो सेंटेंस समझ में आ रहा है कि उस सेंटेंस का क्या कहना चाह रहा है, तो आपको भाई उस वर्ड का मीनिंग जानने की कोई इच्छा नहीं रखनी है। टिप नंबर थ्री, अनसीन पैसेज में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इस पैसेज का आप अच्छा सा टाइटल बताओ या फिर इसकी अच्छी सी थीम क्या हो सकती है, तो इसका आंसर आपका पैरा नंबर वन में और लास्ट पैरा में मिल रहा होगा। इन दो पैरा को पढ़कर ही आप अच्छा सा टाइटल और उसकी थीम डिसाइड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी होंगी। ऐसी टिप्स के लिए डू सब्सक्राइब।